हेलो गाइस, दिस इज वंद्रिला। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम सीखेंगे क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि क्लिपिंग मास्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वीडियो जो है वो बड़ा हो गया, तो इसीलिए हम क्लिपिंग मास्क के लिए दूसरा वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मास्किंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क जो है ये एक टाइप ऑफ मास्क है। मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में कि मास्किंग क्या है, उसका डेफिनेशंस, उसका यूजेस भी यहाँ पर, एडवांटेजेस भी यहाँ पर यूज़ किए थे, और उसका टाइप्स ऑफ द मास्किंग जो है लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क एंड अल्फा चैनल मास्क। अल्फा चैनल मास्क जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ द मास्किंग के लिए ये दो, सॉरी आपको विजिबल नहीं है, सॉरी, ये दो मास्क ही इम्पॉर्टेंट है। अल्फा चैनल भी आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम पेपर में, अगर आप यूज़ करते हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, लेकिन अगर आपका आपके पास टाइम नहीं है तो मास्क, टाइप्स ऑफ द मास्किंग के लिए दो मास्क ही मेन है, लेयर मास्किंग एंड क्लिपिंग मास्किंग। और अल्फा चैनल मास्क के लिए मैंने, मेरा वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं क्लिपिंग मास्क के बारे में बात करूंगी। लेयर मास्किंग के बारे में मैं तो प्रीवियस वीडियो में बोल दिया, और ये इस वीडियो में हम सिर्फ क्लिपिंग मास्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि लेयर मास्क सबसे अच्छा मास्क है। अगर हम किसी भी इमेज को एडिट करना चाहते हैं, अगर हम किसी भी इमेज की किसी भी पोर्शन को हम इनविजिबल करना चाहते हैं, हम हमारे जो अनवांटेड एरियाज होते हैं एक पिक्चर के लिए, अगर हम उसको रिमूव और इनविजिबल कर सकते हैं और उसको हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए लेयर मास्क सबसे अच्छा है, ठीक है। और क्लिपिंग मास्क क्या है, ये है क्लिपिंग मास्क की पिक्चर, ठीक है। ये है क्लिपिंग मास्क की पिक्चर, और लेयर मास्क के लिए आप ये पिक्चर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है क्लिपिंग मास्क की पिक्चर। हाँ, तो क्लिपिंग मास्क में क्या होता है, क्लिपिंग मास्क यूज़ करके हम एक ही चीज़ कर सकते हैं जो लेयर मास्क में कर सकते हैं। क्लिपिंग मास्क भी मास्क यूज़ करके हम हाइड कर सकते हैं कुछ इमेज, एक इमेज की कुछ भी पोर्शन जो हमें नहीं पसंद है, तो उस पोर्शन को हम हाइड कर सकते हो, इनविजिबल कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं एक इमेज के लिए, ठीक है। एक चीज़ ही कर सकते हैं लेयर मार्क्स में। वहाँ पर देखिए लेयर मास्क में जैसे किस तरह से इनविजिबल होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया, और क्लिपिंग मास्क में किस तरह से हम क्लिप करके एक इमेज के अनवांटेड पोर्शन को हम रिमूव करते हैं और हाइड करते हैं और इनविजिबल करते हैं, वो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क में क्या होता है, क्लिपिंग मास्क में ना ये पिक्चर में ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। क्लिपिंग मास्क में क्या होता है कि ये वाला जो लेयर है ये डिटरमाइन कर सकता है ये वाला लेयर की विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये क्लिपिंग मास्क में होता है, लेकिन लेयर मास्क में ये वाला चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट मैं लिख देती हूँ कि क्लिपिंग मास्क में, इन क्लिपिंग मास्क वन लेयर ऑफ अ पिक्चर और इमेज डिटरमाइन द विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द अनदर लेयर ऑफ द इमेज, ठीक है। ये वाला चीज होता है क्लिपिंग मार्क्स में, ठीक है ना। अच्छा, तो दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, दूसरा चीज़ मैं बोलती हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लिपिंग मास्क के लिए, कि क्लिपिंग मास्क ना लेयर मास्क के साथ ऑपोजिट काम करता है। क्लिपिंग मास्क इज ऑपोजिट टू द लेयर मास्क, ओके। तो क्लिपिंग मार्क्स लेयर मार्क्स से ऑपोजिट काम करते हैं। लेयर मार्क्स क्या करता था, लेयर मार्क्स कहता था कि जो अनवांटेड पोर्शन है इस पिक्चर का, वो पोर्शन
हमने अगर हम विजुअल करना चाहे तो वो वाला पोर्शन ब्लैक से रिप्रेजेंट होता था. हम लेयर मार्क्स मतलब हम क्या समझते कि ब्लैक जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन इनविजिबल है और जो विजिबल होगा वो वाला पोर्शन वाइट हो जाता है और ग्रे वाला पोर्शन वो सेमी ट्रांसपेरेंट के लिए होता है. ठीक है, देखिए देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट ग्रे वाला पोर्शन. हाँ, तो क्लिपिंग मास्क में ऐसा नहीं होता. क्लिपिंग मास्क में क्या होता है, क्लिपिंग मास्क में ध्यान से सुनिएगा, ये क्लिपिंग मास्क का मेन पॉइंट है. क्लिपिंग मास्क कैसे लेयर मार्क से अपोजिट है, कैसे लेयर मार्क्स का और आप ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट क्या है लेयर मार्क्स और क्लिपिंग मार्क्स में. दोनों चीज़ ही तो एक ही काम करते हैं, हाइड और इनविजिबल ऑफ एन पोर्शन ऑफ एन इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं मास्किंग. लेकिन क्लिपिंग और लेयर मार्क्स में डिफरेंट क्या है, ठीक है, एक ही डिफरेंट है. लेयर मास्क उस जैसा काम करता है लेकिन क्लिपिंग मास्क इज वर्किंग इनवर्सली विथ लेयर मास्क. एक पिक्चर कैसा होता है, पिक्सल को कंबाइन करके एक एक पिक्चर होता है. पिक्चर मतलब सेट ऑफ a lot of pixel called what picture. ठीक है, तो एक पिक्चर में बहुत सारा पिक्सल रहता है क्योंकि पिक्सल्स को कंबाइन करते एक पिक्चर बनाते हैं हम. ठीक है, तो इस पिक्चर में ये तो ओरिजिनल पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर, सॉरी मैं इसको अलग कर, ये ओरिजिनल है और ये मास्क्ड इमेज है ये वाला. ठीक है, और ये वाला ओरिजिनल इमेज. हाँ, तो इस ओरिजिनल इमेज में बहुत सारा पिक्सल है और ये वाला जो पोर्शन है ये टॉप लेयर है इस इमेज के लिए और ये वाला जो पोर्शन है ये बॉटम लेयर है. ठीक है, तो क्लिपिंग मास्क क्या बोलता है, क्लिपिंग मास्क बोलता है अगर एक इमेज की बॉटम लेयर में सम पिक्सल है, कुछ पिक्सल अगर है बॉटम लेयर में, कुछ पिक्सल अगर है तो उसका जो टॉप लेयर है, उस इमेज का जो टॉप लेयर है वो विजिबल होगा. क्लिपिंग मार्क यही बोलता है. अगर एक इमेज की बॉटम लेयर में कोई भी पिक्सल नहीं है तो उसका उस इमेज में जो टॉप लेयर है वो इनविजिबल हो जाएगा, यही क्लिपिंग मार्क्स बोलती है. लेकिन लेयर मार्क्स में क्या होता है, लेयर मार्क्स में जो हमारे लिए अनवांटेड पोर्शंस है वो ब्लैक से ट्रांसपेरेंट हो जाता है. ब्लैक मतलब ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, इनविजिबल यहाँ पर ब्लैक मतलब इनविजिबल और वाइट मतलब विजिबल. जो हमारी वांटेड पोर्शन है वो वाइट से रिप्रेजेंट होता है. ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि अगर एक इमेज में बॉटम लेयर में अगर पिक्सल है तो उसका टॉप लेयर विजिबल होता है, अगर नहीं है बॉटम लेयर में कोई भी पिक्सल तो उसका टॉप लेयर विजिबल नहीं होता. तो इफ मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पर एक ही चीज मैं बोल सकती हूँ कि द टॉप लेयर यहाँ पर इन क्लिपिंग मास्क if the bottom layer, sorry, bottom layer have some pixel, sorry, then the top layer of the image will be visible. ओके, इफ द बॉटम लेयर ऑफ एन इमेज हैव डोंट हैव एनी पिक्सल देन क्या होता है, देन द टॉप लेयर of that image will be invisible. Okay?
यही दो मेन पॉइंट है क्लिपिंग मार्क्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा, विजिबल है आपके लिए। अच्छा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ये मेरी क्लिपिंग मार्क्स की पूरी वीडियो है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो उसकी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर अच्छी तरह से मैंने नोट बना के आपके लिए रखा है। तो थैंक यू सो मच।